हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय के अंतर्गत, हम लोग दूसरा चैप्टर अर्थात दिनचर्या अध्याय के अंतर्गत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी बन सकेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ देखेंगे आचार्य वाग्भट ने दिनचर्या में सर्वप्रथम किस चर्या की बात की है। तो सभी ने अपने अपने, चाहे चरक हो सुश्रुत, सभी ने अपने हिसाब से बात किया। तो यहाँ पर वाग्भट के हिसाब से उन्होंने सबसे पहले क्या बताया है, तो देखेंगे पहला पॉइंट है ब्रह्म मुहूर्त जागरण, दूसरा पॉइंट है दातौन, तीसरा पॉइंट है कवल, चौथा है शौच कर्म। उन्होंने क्या बोला है, ब्रह्म मुहूर्त जागरण सबसे पहले बोला है। उसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है कि आचार्य वाग्भट ने दातौन की लंबाई बताई है, तो अर्थात लंबाई मतलब प्रमाण, कितना प्रमाण, दातौन का प्रमाण क्या बताया है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 अंगुल, 10 अंगुल, 12 अंगुल, 14 अंगुल। सही जवाब है आपका सी, 12 अंगुल। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न, आचार्य वाग्भट ने कौन से रस की दातौन का वर्णन बताया है। तो हम लोग जो दातौन करते हैं, नीम की दातौन जो तिक्त होती है, उसी तरह से अन्य दातौन होते हैं, उनके रसों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे कषाय रस, कटु रस, तिक्त रस, आल। तो यहाँ पर कसाय, कटु, तिक्त, आल अर्थात सभी रसों के बारे में उन्होंने कहा कि कसाय, कटु, तिक्त रस की जो दातौन होती है वो श्रेष्ठ दातौन की बात की है। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे, वाग्भट ने दातौन की मोटाई बताई है। तो यहाँ पर लंबाई की बात हम लोगों ने देखा था 12 अंगुल था, अब इसकी मोटाई की बात की गई थी, इसकी मोटाई अंगुली के समान बताई गई। कौन सी अंगुली, देखेंगे अनामिका, कनिष्ठिका, तर्जनी, अंगुष्ठ प्रमाण। तो सही जवाब क्या है, कनिष्ठिका अंगुली, अर्थात जो हम लोग लिटिल फिंगर जो होता है हम लोग का, उतने प्रमाण के दातौन की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वाग्भट ने सविरांजन का प्रयोग बताया है। तो सविरांजन अर्थात ये अंजन का प्रकार है, तो उन्होंने बताया है कि अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब कि कितने दिन पर बताया है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे नित्य अर्थात प्रतिदिन, डेली, दूसरा देखेंगे 2-2 दिन के अंतर पर, तीसरा है 3 दिन के अंतर पर, चौथा है 7 दिन पर। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, सविरांजन का प्रयोग अर्थात जो सविरांजन होता है वो नित्य बताया था, डेली यूज करना चाहिए और नेत्रों के लिए हितकर बोला गया है। ठीक है, नेत्रों के लिए हितकर बोला गया है, सविरांजन नित्य प्रयोग बोला गया है, प्रतिदिन प्रयोग बोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि आचार्य वाग्भट ने रसांजन का प्रयोग बताया है। जिस तरह से सविरांजन था उसी तरह से रसांजन भी है, एक अंजन का भेद है, प्रकार है। तो यहाँ पर देखेंगे उन्होंने कितने दिन पर बताया है वाग्भट ने, पहला ऑप्शन है नित्य, दूसरा है 7 दिन पर, तीसरा है 5 दिन पर, चौथा है 3 दिन पर। तो सही जवाब है 7 दिन पर, मतलब यहाँ रात्रि टर्म होगा, दिन हमने दे दिया है रात्रि, 7 रात्रि पर, क्योंकि रात्रि में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि तैल अव्यंग अर्थात तैल अभ्यंग मतलब तैल की मालिश प्रतिदिन विशेष रूप से किस अंग पर बताया गया है। तो वाग्भट ने बोला है कि आप शरीर में तैल का प्रयोग प्रतिदिन करें ना करें, लेकिन विशेष रूप से किस अंग पर प्रतिदिन बताया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है सिर, श्रवण, पाद। सिर मतलब सिर हो गया, श्रवण मतलब कर्ण हो गया, कान हो गया, पाद मतलब पैर। सिर, श्रवण, हस्त अंतर हो गया, यहाँ पाद की जगह हस्त हो गया। सिर, श्रवण, मुख, यहाँ पर हस्त जब मुख हो गया, और नन। तो सही जवाब क्या है, सिर, श्रवण, पाद में विशेष रूप से तैल की मालिश या तैल का अभ्यंग प्रतिदिन करने को बोला है वाग्भट ने। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे हम लोग कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम, एक श्लोक है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निर मेदश क्षय। तो यहाँ पर देखेंगे लाघवम लघुता, कर्म सामर्थ्यम कर्म करने की प्रति क्षमता, दीप्त होती अग्नि दीप्त होती है, साथ ही साथ मेदा का क्षय होता है। ये श्लोक पर्टिकुलर किसके लिए बोला गया है, कौन से कर्म के लिए बोला गया। तो देखेंगे ऑप्शन आपके सामने है स्नान, अव्यंग, व्यायाम, दातौन। तो यहाँ पर जो बोला गया कौन से क्रिया करने के बाद लघुता कर्म सामर्थ्य दीप्तो अग्निमेद से ये होता है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा व्यायाम। व्यायाम करने से, ये श्लोक व्यायाम के लिए आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि शीतकाल व बसंत काल में, शीतकाल व बसंत ऋतु में व्यायाम का प्रमाण बताया गया है। तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्यायाम कितनी मात्रा में करनी चाहिए, खास तौर से जो ठंडी की ऋतु होती है, शीतकाल और बसंत ऋतु जो इस समय चल रही है, तो उसमें कितना प्रमाण बताया गया है। तो अपनी आधी शक्ति के बराबर, अपनी आधी शक्ति के बराबर, अपनी आधी शक्ति से कम, अपनी आधी शक्ति से अधिक,
और अपनी पूरी शक्ति, जितनी ताकत होती है उतना व्यायाम करना चाहिए। तो सही जवाब है कि जब शीतकाल और बसंत ऋतु में अपनी आधी शक्ति के बराबर व्यायाम करना चाहिए। सही जवाब है अपनी आधी शक्ति के बराबर। और इसके अलावा जो ऋतु होती हैं ग्रीष्म ऋतु, अपनी आधी शक्ति से भी कम व्यायाम को बोला गया है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, उद्वर्तन से लाभ होता है। उद्वर्तन का मतलब होता है सिंपली कि जो छोटे बच्चों में उपटन की मालिश करते हैं ना, जो सरसों की पेस्ट बनाते हैं उसकी मालिश करते हैं, उसको बोलते हैं उद्वर्तन। जो हम लोग होली के समय में होलिका दहन से पहले एक दिन पहले मतलब उसी दिन करते हैं रात्रि में, तो उसको बोलते हैं उद्वर्तन। तो उससे होता क्या है, आचार्य वाग्भट ने बोला है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कफहर मेदहर, वातहर मेदहर, पित्तहर मेदहर, मतलब पित्त मेदहर मतलब पित्तहर मेदहर या नन। तो सही जवाब होगा इसका कफहर मेदहर, कफ मेदहर, कफहर मेदहर, ये बोला गया उद्वर्तन। उसके बाद देखेंगे एक प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने स्टार लगा दिया है, बहुत ही हाईलाइट कर दिया है। सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तय, सुखम च न विना, सुखम च न विना, डैश डैश डैश, तस्माद अर्ध अर्ध परो। तो ये बोला गया किसके लिए, तस्माद धर्म परो। तो यहाँ बोला गया है कि सुख की प्रवृत्ति सभी प्राणियों की जो प्रवृत्ति होती है, चाह होती है, सुख के लिए होती है, लेकिन सुख बिना किसके नहीं मिलता है। तो ऑप्शन है धर्मात अर्थात धर्म के बिना, कर्मात अर्थात कर्म के बिना, पापात अर्थात पाप के बिना, कामात अर्थात काम के बिना। तो सही जवाब है सुख अगर पाना है तो धर्म का पालन करो, जो भी नियम कानून है उसको पालन करेंगे तो सुख निश्चित ही मिलेगा। तो सही जवाब है धर्मात, ठीक है, अर्थात धर्म। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे, पाप कर्मों की संख्या होती है। आपने बहुत सुना होगा पाप कर्म होते हैं, ये पाप कर्म होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो देखेंगे पाप कर्मों की संख्या होती है, पहला ऑप्शन 5, दूसरा है 10, तीसरा है 15, चौथा है 20। तो सही कितना क्या है, पाप कर्मों की संख्या कितनी होती है, 10 विध पाप कर्म बोला गया है ना, तो सही जवाब होगा 10, अर्थात ऑप्शन बी, पाप कर्मों की संख्या 10 बताई गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से पाप कर्म है, तो कौन कौन से पाप कर्म या कौन सा पाप कर्म है, इसके बारे में बोला गया है। देखेंगे हिंसा, आस्ते, अन्यथा कामम और सभी। तो इसका मतलब हम लोगों ने देखा है कि श्लोक में हिंसा, आस्ते, अन्यथा कामम, ये सभी आपके पाप कर्म हैं। तो सही जवाब होगा सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे कि काले हितम मितम ब्रुयात विंसवादी पेशलम, किसका कथन है, किस आचार्य ने दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सिर्फ डायरेक्ट आपको यही प्रश्न दे देगा कि किसका कथन है, किस आचार्य ने बोला है। तो आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य वाग्भट ने, आचार्य सारंगधर ने। तो सही जवाब है क्योंकि हम लोग सारंगधर अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं, अर्थात वाग्भट सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे, अनुयायात प्रतिपदम सर्वधर्मेशु डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो कह रहा है कि सभी धर्मों में कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। तो देखेंगे उत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग, हीन मार्ग या नन ऑफ दीज। तो सही जवाब होगा सभी धर्मों में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो इस तरह से हम लोग का ये दिनचर्या का जो अष्टांग हृदय का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।